बंगोपसागर में सक्रिय रही लघुचाप गांगेटिक पश्चिमबंग और उत्तर ओडिशा उपकूल में सक्रिय रही लघुचाप क्षेत्र आसंता 24 घंटा पश्चिम ओडिशा और उत्तर पश्चिम दिगरे यह गति कर मौसुमी रेखा सक्रिय रही फल राज्य में वर्षा लगी रही आसंता 24 घंटा दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा नहीं सतर्क कराई पानीपाग विभाग मालकानगिर कोरापुट नवरंगपुर बलांगीर नुआपड़ा सोनपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ संबलपुर केन्दुझर अनुगुल देवगढ़ बौद्ध और कलाहांडी रे प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी हो 24 घंटा पर लघुचाप झारखंड मुहां हेले पश्चिम तथा आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षार परिमाण बढ़िबो आसंता काली बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ नुआपड़ा और नवरंगपुर रे प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी करिछि पानीपाग केन्द्र आसंता 31 तारीख सकाळ जाए राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लागि रहिबो तेबे लघुचाप प्रभाव में समुद्र अशांत रहिबो एणु आसंता 24 घंटा पर मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जिबाकु बारण करा जायछि उड़ीसा में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है उसके अलावा दो जगह पर वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज किया गया है और 16 जगह पर हैवी रेनफॉल भी दर्ज किया गया सबसे अधिक वर्षा जो है कोरापुट में 136 मिलीमीटर दर्ज की गई है अब बात करें सिनोप्टिक सिस्टम की तो कल का जो वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया था अभी वो एक लो प्रेशर एरिया के रूप में गंगेटिक वेस्ट बंगाल और अडजाइनी नॉर्थ उड़ीसा के ऊपर लाई कर रहा है जिसकी जो सर्कुलेशन है समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई पर है और यह सिस्टम हाइट के साथ साउथ वेस्ट की तरफ टिल्ट करता हुआ नजर आ रहा है यह सिस्टम जो है धीरे धीरे मूव करते हुए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगले 24 घंटे में जाएगा दूसरी जो सिनोप्टिक सिस्टम है वह मानसून ट्रफ जो कि श्री गंगानगर सीकर ग्वालियर सिद्धि इस सेंटर जो लो प्रेशर उसके सेंटर से होते हुए ईस्ट वेस्ट और ईस्टवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ